टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। चंद्रशेखर उर्फ रावण का सबसे लेटेस्ट और धमाकेदार इंटरव्यू। डॉक्टर कफील की रिहाई पर बोले एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर। देश की जीडीपी पर भी चंद्रशेखर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार चुनाव पर सुनिए क्या है चंद्रशेखर की राय। चंद्रशेखर ने बताया यूट्यूब पर क्यों डिसलाइक की गई पीएम मोदी के मन की बात। टाइम 24 न्यूज पर चंद्रशेखर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दलितों के लिए एक नई आवाज़ बन चुके चंद्रशेखर उर्फ रावण के नाम से विख्यात हो चुके, आज उनसे हम बात करने वाले हैं, उन्हीं से पता करेंगे। सबसे पहले आपका टाइम 24 न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आखिर आपको पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, हमारा पहला सवाल यही है। और ये ज़्यादातर सवाल पूछ रहे हैं, आम सवाल है, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी थी आखिर? देखिए, जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनाई गई थी उस उद्देश्य पे काम नहीं हो रहा था, और उस उद्देश्य पे काम नहीं होगा तो आम जनता का जो है भला नहीं होगा। सभी समाज के दल हैं और हमारे लोगों को जो है सिर्फ इस वजह से कि जाति के भेद हैं, सरकार जो है विपक्ष में और हमारे लोगों को सताया जाए तो ये नहीं चलेगा। अपने लोगों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए और ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है पार्टी बनाई गई है और अब मजबूती से जो है पार्टी काम कर रही है। चंद्रशेखर जी, बिहार चुनाव को लेकर के पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, बिहार में किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है संगठन की। तो अभी धरातल पर बूथ लेवल पर हमारे संगठन निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि बिहार में हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए या वोट खराब करने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो अभी धरातल पे संगठन निर्माण चल रहा है, प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और पूरे बिहार की 243 सीटों पे जो है पूरा संगठन जो है तैयार किया जा रहा है। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी जो है सड़कों पर आ रहा है, आप भी लगातार उस बात को उठा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की जो चल रही है वो कैसी चल रही है? भूपेश जी, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। पिछले 5 दिनों में 9 दलितों की हत्या हुई, रायबरेली में 3 दलितों की हत्या हुई हैं, आगरा में 3 दलितों की हत्या हुई है और 3 दलितों की हत्या हरदोई में हुई है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जनता से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन का लॉकडाउन लगाए बैठे हैं, 2 दिन में आम जनता को परेशान कर रहे हैं और पुलिस जो है सत्ता का फेवर करते हुए आम जनता को परेशान कर रही है। अगर आम जनता विरोध में बाहर आती तो लाठियां मारती है, मुकदमे लगाती है, जेल भेजती है। कई तमाम लोगों को जो फीस का विरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा, उन पेरेंट्स को लाठी पड़ रही है, जो न्याय मांग रहे हैं उनको लाठी पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में जनता तराई तराई कर रही हैं और योगी जी मठ पर बैठ कर जो हैं मठाधीश बने हुए हैं, जनता की तरफ को ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आम जनता का ये हाल है कि आम जनता के लोग, आम आदमी घर से पहले निकलने से पहले 4 बार सोच रहा है कि वो वापस घर आएगा नहीं आएगा। महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चों में जो है डर की भावना बनी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश अगर ये राम राज्य है तो मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, मजलूमों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का नरसंहार मुझे लग रहा है राम राज्य में चरम सीमा पे, और ये योगी जी की देन है। अच्छा, एक बात और हम करेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की थी और जिस पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? यूट्यूब पे उन्होंने जो अपने मन की बात की छात्रों को लेकर के इस बार बात की गई थी और उस पर ही डिसलाइक आए हैं। देखिए, जो झूठ का बुखार उन्होंने जनता को चढ़ाया था वो उतर गया है। देश की जीडीपी की जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं, -23.9 समथिंग जो है रिपोर्ट्स हैं, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, डिमांड और सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है
और प्रधानमंत्री जी को उसका उपाय ये है कि छात्र जो है खिलौना बनाएं, वो सरकारी डिपार्टमेंट बेच रहे हैं। करोड़ों नौजवानों ने ये डिसलाइक किसी बाहर के विदेश के लोगों ने नहीं किए हैं, ये यही देश के लोगों ने किए हैं। ये उन्हीं लोगों ने किए जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है पहले वोट दे के ताकत से नवाजा था। आज उनकी समझ में आ गया है कि हमने जिन्हें वोट दिया था उन्होंने हमारी वोट का दुरुपयोग सिर्फ इसलिए किया है कि वो धर्म के मुद्दों पर, राष्ट्र के मुद्दों पर हमें भटका सके। जब उनसे सवाल किया जाए तो चाइना की बात कर दें, जब उनसे सवाल किया जाए तो पाकिस्तान की बात कर दें, जब उनसे सवाल किया जाए जो सवाल करे उसको वो आतंकवादी देशद्रोही कहकर अपना पल्ला झाड़ लें। सच्चाई ये है कि करोड़ों नौजवानों के सपने थे, उन्होंने तैयारियां की थी, पढ़ाई की थी कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। और जिस तरह से मोदी जी अपने पूंजीपति साथियों का भला करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट उनको बेच रहे हैं, कुछ दिनों में देश गुलाम हो जाएगा, इस सिंडिकेट में फंस जाएगा, सरकार पे कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये आने वाले कल में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश चलाया था ऐसे ही जो है ये देश चलेगा और आम जनता गुलाम बन जाएगी, इनके हाथ से भी निकल जाएगा। जिन जो लोग आज मुनाफा देने के लिए अपने पूंजीपति साथियों को कर रहे हैं इनके हाथ से भी निकल जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जनता ने डिसलाइक दिया और इसका परिणाम आपको बिहार इलेक्शन में भी और आने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। बिना नीतिविहीन सरकार के, बिना एजेंडाविहीन सरकार के, आरएसएस के एजेंडों को लागू करने के लिए धर्म की और राष्ट्रवाद के झूठे सपने दिखा के जो है देश में, तो संविधान की सुरक्षा ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, जो संविधान सबको, सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार देता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए मनगढ़ंत बनाई गई, मीडिया का दुरुपयोग किया गया। आप तो सवाल भी पूछ रहे हैं, मीडिया को भी सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। कोई मीडिया का साथी सवाल पूछता तो ईडी वाले उनके घर छापा लगाने पहुंच जाते हैं। तो डरा के राजनीति की जा रही है और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में इसका बखूबी जवाब देगी। जनता तैयार है, चुनाव जब भी होंगे पता लग जाएगा। सबसे बुरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार आपकी बात ना माने, अगर पुलिस प्रशासन आपको न्याय ना दे तो आप न्यायपालिका के पास जाते। मैंने दो ऑर्डर देखे, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। जहां बिहार जो है, दो तिहाई बिहार तो पानी में डूबा हुआ है, वहां हेल्थ की सुविधाएं भी अच्छी नहीं, वहां डॉक्टर जो है खुद ठेलों पर जा रहे हैं, पेशेंट जो है रेडों पर घूम रहे हैं, जहां इतनी हालात ख़राब है और कोरोना का भी चरम चल रहा हो, वहां वो कह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में कुछ फैसले किए जा रहे हैं और इसका आम आदमी पर बड़ा दुष्प्रभाव जा रहा है। आम आदमी का न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास था वो कमज़ोर पड़ रहा है और इससे बड़ा नुकसान होगा। अगर कानून व्यवस्था में, न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास ख़त्म हो जाएगा तो इन डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो इस पे पूरे देश की नज़र है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी जनता के पैसे से चलता, हर आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जब उस कोई सामान खरीदता तो टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है सुप्रीम कोर्ट के जजों को। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज फैसला अगर किसी पक्ष और विपक्ष के दबाव में देंगे तो इससे जो है आम जनता जो का विश्वास जो है टूट जाएगा और ये किसी भी देश के लिए बहुत कमज़ोर कड़ी है। इससे हमारा भारत कमज़ोर होगा, हमारा देश कमज़ोर होगा, और हमारा देश कमज़ोर होगा तो ये किसी भी तरीके से सहने योग्य बात नहीं है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि आम जनता को उसके लिए तैयार कर सकें। इस बार बिहार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, आपका जो मुख्य मुद्दा रहेगा? देखिए, बिहार चुनाव में अभी तो सबसे ज़्यादा हाल जो ख़राब है वो बाढ़ को लेके, तो किस तरह से बाढ़ हर साल आती है, कोई नीति नहीं बनी है आज तक वहाँ पर। हमारा प्रयास रहेगा कि बाढ़ को किस तरह से वहाँ नियंत्रित किया जाए और आम जनता जो है इससे उनके घर ना खराब हों, उनका जीवन बदहाल ना हो। दूसरा, रोज़गार का बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग इधर उधर जाते हैं। इस बार भी कोरोना महामारी में 1.5 से 2 लाख लोग यहीं बिहार के इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो यहाँ काम करते हैं। एक छुमामूना एक आंकड़ा है कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिफ्ट किया है बिहार में कोरोना के बाद। तो रोज़गार के साधन वहाँ तैयार हों, वहीं रोज़गार पैदा हो और लोगों को बाहर जाना ना पड़े, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एजुकेशन का जो सिस्टम है, बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, वहाँ पर बच्चों को जो है और अच्छे विद्यालय खुले, उनको जो है गांव देहात में उनको तैयारी करने का मौका मिले। और जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं निजीकरण के खिलाफ,
क्योंकि हम इस देश के युवाओं के सपनों को मोदी सरकार को चूर चूर नहीं करने देंगे। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, हेल्थ का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, सब पे जो है बिहार में काम होगा और उम्मीद है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार को रोक के अच्छी सच्ची और नेक नीयत वाली सरकार को जो है, जिससे बिहार का भला हो, बिहार की जनता का भला हो, ऐसी सरकार को जो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बीजेपी को रोकने के लिए जितना ज़्यादा मुझे समय वहाँ देना पड़े मैं दूंगा। आजाद समाज पार्टी अकेले बिहार में लड़ेगी या किसी सहयोगी के साथ लड़ेगी? देखिए, ये तो तय है कि आज़ाद समाज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है क्योंकि वहाँ टीम काम कर रही है। तो जैसे बीजेपी को रोकने के लिए अगर किसी का साथ देना पड़ा, किसी का साथ लेना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी हम तैयारियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 243 सीटें हैं। अगर हम किसी मदद करने भी जाएं तो 243 सीटों पे हमारा संगठन होना चाहिए। अभी हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, आने वाले कल में क्या होगा ये मीडिया को, सभी को सूचित किया जाएगा। चंद्रशेखर जी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील को रिहाई का तुरंत आदेश दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने कहा है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर कफील खान रात रिहा हो चुके हैं। मैंने जैसा आपसे अभी पहले कहा था कि न्यायपालिका में आम जनता का विश्वास बना रहे, न्यायपालिका ने उसमें उस ऑर्डर में कहा है कि गलत तरीके से राशुका लगाई गई, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये इनकी नीयत है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उस पर यह आरोप लगा के, मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल देंगे। तो ये न्यायपालिका की जीत है और मुझे उम्मीद थी कि न्यायपालिका से एक अच्छा फैसला आएगा। कफील खान को रिहाई की मुबारकबाद, अच्छे साथी हैं, मददगार हैं और तमाम तरह से जहाँ भी परेशानी होती है जाके जनता की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को बाहर रहना चाहिए, कोरोना काल में उनकी बहुत ज़रूरत थी। उम्मीद है कि अब वो बाहर आ गए हैं तो आम जनता के लिए फिर से ऐसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। टाइम 24 न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।